क्या आप जानते हैं Amazon.com जो आज आप और हम सबकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका नाम Amazon नहीं था पहले। जेफ बेजोस, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, Amazon के फाउंडर, 18,250 करोड़ US डॉलर की नेटवर्थ, 1.7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 1.3 मिलियन लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। जी हाँ, आज बात करेंगे दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक जेफ बेजोस। इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपको जेफ बेजोस की कंप्लीट लाइफ स्टोरी के बारे में और Amazon.com कैसे दुनिया पर छा गया उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। एंड यस, आप और हम Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस से क्या सीख सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो माय नेम इज अंकित विजय, शॉर्ट नेम इज एवी। आई एम इंडियाज फर्स्ट राइजिंग एंटरप्रेन्योर, माइंडसेट, बिजनेस एंड रिलेशनशिप मेकओवर मेंटर। आई एम हेल्पिंग पीपल हाउ यू कैन स्टार्ट, स्केल, एस्टैब्लिश एंड ऑटोमेट योर बिजनेस मॉडल। And second, how you can make all your relationship. So now, without wasting time, let's talk about today's case study, Jeff Bezos. January 1964, Jeff Bezos का जन्म हुआ। महज 17 साल की उम्र में इनकी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी। जेफ के लिए एक बात कही जाती है कि इनकी हंसी, आज भी जब ये इंटरव्यूज में बैठते हैं और जब ये हंसते हैं तो इनकी हंसी से काफी लोगों को बहुत तेजी से हंसी आ जाती है। बहुत तेज खिलखिलाकर ये हंसते हैं और बहुत ही खुलकर ये हंसते हैं। जी हाँ, एनीवेज, ये बहुत ही अर्ली एज में वीपी बन गए थे। 90s में इनको एक बात का आइडिया लग गया था, विजनरी माइंडसेट इनका शुरू से था कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन आने वाला है। जी हाँ, इन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं इंटरनेट पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। इनके पेरेंट्स ने रिप्लाई किया कि इंटरनेट क्या होता है। जी हाँ, जब दुनिया इंटरनेट के बारे में नहीं जानती थी तब ये विजन बनाकर बैठे थे कि पूरे अर्थ पर मैं इस रिवोल्यूशन के साथ पूरे दुनिया पे छा जाऊंगा। जी हाँ, एक बुक स्टोर इन्होंने लॉन्च किया। इनके पेरेंट्स ने इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया मॉनेटरी वाइज। एक गैराज में ऑफिस लेने का इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, एक गैराज में इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया दो लोगों के साथ मिलकर। कंपनी का नाम था नॉट अमेज़न, कैडावेरा। जी हाँ, कैडावेरा इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा। एंड एक दिन क्लाइंट से बात करते करते क्लाइंट ने कैडावेरा को कैडोवर सुन लिया और कैडोवर का अर्थ होता है डेड बॉडी। उस दिन से इनका जेब का दिमाग खनक गया और कहा कि यार नाम चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा Amazon। Amazon क्यों रखा गया उसके पीछे भी दो बहुत बड़े रीजंस थे, और जो दूसरा रीजन था उसे उनके विजनरी माइंडसेट का आपको क्लियर कट अंदाजा लगने वाला है। जी हाँ, फर्स्ट रीजन इज दुनिया की सबसे बड़ी नदी Amazon है और वो अपने बिजनेस को दुनिया में फैला देना चाहते थे और दुनिया में पूरे अर्थ पर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। वहां से उनको Amazon नदी का आइडिया आया और वहीं से नेम रखी गई। एंड सेकंड रीजन जो था वो था कि Amazon के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नदी है वो Amazon से 10 गुना छोटी है। विजनरी माइंडसेट देखिए, ये अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड करना चाहते थे अर्थ पर पूरी दुनिया में कि इसके इनके आसपास के जो कॉम्पिटिटर है वो इनसे कम से कम 10 गुना छोटे हों। इस विजन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। जी हाँ, आज आप और हमको भी ये बहुत सीखने की नीड है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी बात बोलता हूं। फर्स्ट, आप अपने बिजनेस में से जो भी अर्न करते हैं उसमें से बहुत सारा पैसा आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल लेते हैं। और सेकंड, विजनरी माइंडसेट, आप अपने बिजनेस में बहुत कुछ अर्न करते हैं और उस बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए काफी सारा अमाउंट आप उसी बिजनेस में वापस से डाल देते हैं। जी हाँ, जेफ बेजोस यही करते चले गए। 16th July 1995, Amazon.com का जन्म हुआ। ऑनलाइन बुक स्टोर इन्होंने लॉन्च किया था और काफी सारी बुक्स इन्होंने अवेलेबल कराई उस पर, और अर्ली मूवर्स का इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। जानते हैं आप फर्स्ट वीक में इनको कितने ऑर्डर मिले? $12,438 के इनको फर्स्ट वीक में ऑर्डर मिल गए। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक फंक्शनैलिटी बिल्ड की थी दैट जैसे ही ऑर्डर मिलता था तो एक बीप साउंड आता था, और इतने ऑर्डर रेगुलर आने लगे कि वो बीप साउंड इरिटेटिंग लगने लगा और उनको हटवाना पड़ा उस बीप साउंड को। ना अब ये कहां रुकने वाले थे, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 9,81,000 की इनको फंडिंग मिली एंड ये आगे बढ़ते चले गए। 97 में इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया US स्टॉक एक्सचेंज में। $18 इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया और 98 तक वो $138 तक पहुंच गया। जी हाँ, इनको इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, काफी सारी फंडिंग इनको मिलती चली गई। बट कहते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस आप जब बिजनेस को एक्सपेंड करने लगते होते आते हैं। जी हाँ, डॉट कॉम बबल आया और एक टाइम पर इनका शेयर प्राइस
$138 से $15 के अराउंड आ चुका था। जी हाँ, इनकी कंपनी 2003 तक लॉस में चल रही थी। बहुत सारा ऑपोजिशन इनको मिल रहा था कि आप अगर नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं तो आप कुछ अलग चीजें ट्राई करिए, बट इनका तो विजन था पूरी दुनिया पे मैं एक दिन छाने वाला हूं। और कस्टमर सेंटर अप्रोच देखिए, एक दिन इन्होंने अपने क्लाइंट्स को रेंडमली एक मेल किया और उसमें पूछा कि मैं क्या क्या और सेल कर सकता हूं अपनी वेबसाइट पर, आइडियाज दीजिए। जी हाँ, और 2001 के आसपास, 2001 के आसपास इन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने अमेज़न पे डाल ही दिए थे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 2003 तक amazon.com लॉस में चल रहा था। नाउ 2003 हैरी पॉटर सीरीज 5 बुक लॉन्च हुई, उसकी प्री बुकिंग इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च की और वहां पर इन्होंने 13 लाख कॉपीज इन्होंने प्री बुकिंग में सेल कर डाली। वहां से इनको काफी सारा रेवेन्यू आया, बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी मिली, बिजनेस को ऑक्सीजन मिला कह सकते हैं। एंड वहां से अगेन इनका कस्टमर सेंटर के अप्रोच एंड विजनरी माइंडसेट शोकेस होता है। जी हाँ, इन्होंने जानते हैं उस अमाउंट का क्या किया, उस प्रॉफिट का क्या किया, इन्होंने काफी सारे डिस्काउंट अपने क्लाइंट्स को दे डाले अपनी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट, एंड सेकंड इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने के लिए उस पैसे को यूज किया। जी हाँ, इनका कहना था कि वेबसाइट पे अगर कोई आपके आ रहा है और 0.1% भी चैलेंज आ रहा है तो इसका मतलब है 1% बिजनेस आपके हाथ से जाने वाला है, और अगर 1% चैलेंज आ रहा है तो डेफिनेटली 10% बिजनेस आपके हाथ से जाने वाला है, और अगर 10% चैलेंजेस आपकी वेबसाइट पे अगर आ रहा है तो डेफिनेटली 100% आपका बिजनेस आपके हाथ से जाने वाला है। सो इस कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। और एक और कमाल की स्टोरी इनके लिए कही जाती है कि जब भी ये कोई बड़े डिसीजंस लेते हैं, बोर्ड रूम मीटिंग में एक चेयर रखते हैं जो खाली रखते हैं हमेशा, और उस खाली चेयर को कस्टमर का नाम दिया जाता है, सो दैट जो भी वो डिसीजंस लेते हैं वो उस चेयर से बात करते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि क्या हम पर्सनली अपने फायदे के लिए तो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, इसमें कस्टमर्स के क्या क्या नुकसान है, उसको एक इमेजिनरी कस्टमर मानकर आगे बढ़ा जाता है। सोच कर देखिए कितना कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। जी हाँ, एंड मैं जस्ट अभी रिसेंटली अभी अपने 5SP अवार्ड में अपने क्लाइंट्स को डिस्कस कर भी रहा था ये चीज, तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे भी मैं बात कर रहा था और उनके पास जो पैसा आ रहा था उसको मैं किस तरह से यूज करना है उनको आगे उनके विजन्स को पूरा करने की मैं डिस्कस कर रहा था। और उन्होंने वो मुझे काफी नाराज भी हुए इस बात पे कि सर मैं अपने ऑलमोस्ट मेरा 90% पैसा वापस बिजनेस ग्रोथ में ही डाल दिया है, बात तो अच्छी है पर मैं अपने सर्वाइव करने में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि अगर आपको जो विजन्स है अगर वहां तक पहुंचना है तो डेफिनेटली अभी आपको स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। सो विजनरी माइंडसेट एंड मिलेनियल माइंडसेट कह सकते हैं और जनरल माइंडसेट में यही डिफरेंस है कि आप अपने पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। 2007 जेफ बेजोस ने किंडल लॉन्च किया। जी हाँ, एंड अमेज़न किंडल आप और हम सब जानते ही हैं, अराउंड 2 से 5 लाख कॉपियां इन्होंने बेच डाली उस वक्त एक साल के अंदर, और काफी सारा रेवेन्यू इनके पास आया, बहुत अच्छी खासा अमेज़न का नाम हो चुका था मार्केट में, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आप सुई से लेकर एरोप्लेन को अगर छोड़ दें तो अमेज़न पे सब कुछ मिलता है, अमेज़न आपके हर एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है, अमेज़न प्राइम आप कह सकते हैं, अमेज़न की वेबसाइट पे आप जाके शॉपिंग तो करते हैं, बहुत सारे इन्होंने कोलैबोरेशन किया और उसके बाद आज टॉप रिचेस्ट पर्सन में जेफ बेजोस आते हैं। एलॉन मस्क, रतन टाटा जी, इनकी केस स्टडी भी मैंने अभी जस्ट यूट्यूब चैनल पे डाली है कुछ दिनों में, एंड आप देख सकते हैं उनको जाके भी। जेफ बेजोस, रतन टाटा जी, एलॉन मस्क, इनमें क्या कॉमन है, क्यों इन्होंने इतने मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, आप और हम सीख सकते हैं विजनरी माइंडसेट के साथ हमेशा ही चले हैं। इन्होंने कभी भी अपने आप और अपने बिजनेस को एक लिमिटेड एरिया में ग्रोथ करने के बारे में नहीं सोचा। जी हाँ, एक और बात, जो भी आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में अगर आप हैं और आप उसमें अर्न कर रहे हैं, उस अर्निंग में से कितना परसेंट हिस्सा आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन में डाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपकी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। जी हाँ, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप उसमें से अच्छा खासा अमाउंट आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में डालना होगा, तभी आप जाके मैसिव रिजल्ट्स एंड बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, वर्टिकल ग्रोथ दे पाएंगे। जी हाँ, सो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज इनकी रही हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस, किस तरह का माइंडसेट के साथ ये लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं। जी हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड यस, मेरा केस स्टडीज को डालने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इनके माइंडसेट्स को, आप और हम इनके माइंडसेट को कैच कर पाए और शायद कुछ ना कुछ बड़ा मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी हाँ, अगर आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आने वाले टाइम में बहुत सारी केस स्टडीज एंड बहुत सारा मैसिव कंटेंट स्टार्टअप एंड ट्रेनर्स के लिए लेकर आने वाला हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप किस सक्सेसफुल पर्सन की केस स्टडीज को अगली बार देखना चाहते हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस बाय बाय।